वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तफसील से एक एक करके। इनमें सबसे पहले आपको दिया हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की आपके पास तो आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा होगा कि अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हम देखें अ नेटवर्क, तो जाल नज़र आता है ऑफ चैनल्स, रास्तों का इज सीन रनिंग थ्रू द साइटोप्लाज्म, वो आपको मुसलसल जाता हुआ दिखाई देगा साइटोप्लाज्म में, ऑल द यूकेरियोटिक सेल, तमाम मरकज़बरदार खुलियों में। अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो आपको साइटोप्लाज्म में आपको एक ऐसा रास्ता, एक जाल नज़र आएगा कि मुख्तलिफ तरीक़े से मुख्तलिफ नदी नालियों की तरह एक जगह से दूसरी जगह तक फैली हुई हैं साइटोप्लाज्म में। दीज चैनल्स आर ऑफन कंटीन्यूस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये चैनल ये रास्ते ऑफन अक्सर कंटीन्यूस मुसलसल होते हैं या जारी रहते हैं विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, एंड ऑल्सो अपेयर टू बी इन कॉन्टैक्ट, और ये आपको नज़र आते हैं इन कॉन्टैक्ट मिले हुए विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन से। मतलब आपके पास जो ये एंडोप्लाज्म होता है ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन की जो झिल्ली होती है उससे स्टार्ट होता है और न्यूक्लियर तक ये जाता है। मतलब सपोज करें कि ये पूरा एक रास्ता है आपके पास सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक, अंदर और बाहर आने जाने का मटेरियल्स के लिए। द होल सिस्टम ऑफ चैनल इज सेट टू बी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, तो ये पूरा निज़ाम जो है चैनल्स का, तो उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दिस मेम्ब्रेन वेरी, और ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं या जो झिल्लियाँ होती हैं वेरी मुख्तलिफ होती हैं वाइडली चौड़ाई के लिहाज से, इन अपेरेंस फ्राम सेल टू सेल, और ज़ाहिर होती हैं एक खुलिए से दूसरे खुलिए में। मतलब हर खुलिए में ये यकसा नहीं होता, हर इसमें हर खुलिए के लिहाज से इसकी अपनी अपनी साइज़ होता है, साइज इसके डिफरेंट होते हैं हर खुलिए में। दीज चैनल्स आर सेपरेट फ्राम द साइटोप्लाज्मिक मटीरियल बाय स्पेरिकल और ट्यूबलर मेम्ब्रेन, और ये जो आपके पास चैनल्स रास्ते हैं ये अलग सेपरेट अलग होते हैं फ्राम द साइटोप्लाज्मिक मटीरियल साइटोप्लाज्म के मादे से बाय स्पेरिकल, गोल, कुर्वी और ट्यूबलर मेम्ब्रेन या ट्यूब्स की शक्ल में। मतलब इस तरह आप स्टूडेंट देखो घर में आप पाइप्स वगैरह लगाते हो नल के लिए, पानी के लिए, तो आप क्या करते हो मुख्तलिफ जगहों से होते हुए उसके अलग अलग सिस्टम को कनेक्ट करके उसे एक मखसूस जगह तक लाते हो। तो इस तरह इसमें भी साइटोप्लाज्म में ये पूरा और सेल मेम्ब्रेन से होता हुआ न्यूक्लियस तक जाता है, लेकिन ये क्या होता है ये अलग, मतलब इसके अपने पाइप्स की शक्ल या ट्यूब की शक्ल होती है जिसमें ये अलग होता है साइटोप्लाज्म के बाकी जो मटेरियल है उससे। अबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर होते हैं ये, वन अबव द अदर एक दूसरे के ऊपर होते हैं, कॉल सिस्ट्रीना, इसे हम सिस्ट्रीना या क्रिस्टीना भी कह सकते हैं। देर आर टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, इसकी दो मॉर्फोलॉजिकल साख्ती शक्ल है ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की, रफ फ्रॉम विद अटैच राइबोसोम, एक रफ आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। रफ जो है उसमें आपके पास उसके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं, राइबोसोम दानों की शक्ल में मौजूद होते हैं जिससे हमें वो रफ नज़र आता है, और स्मूथ पर ये राइबोसोम नहीं होते। देर आर टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, दो साख्ती अकसाम हैं ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की, रफ फ्रॉम विद अटैच राइबोसोम, एक रफ थे इसको खुरदरी भी आप कह सकते हैं जिसमें अटैच मिले होते हैं उसके ऊपर राइबोसोम, एंड स्मूथ और एक स्मूथ हमवार होती है, फ्रॉम फॉर्म विदाउट राइबोसोम जो कि बनी होती है राइबोसोम के बगैर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसे हम RER भी कह सकते हैं, R मीन्स रफ, E एंडोप्लाज्मिक, R रेटिक्यूलम, आर मोस्टली प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये ज़्यादातर मौजूद होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर, एंड थस इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, और ये शामिल होता है प्रोटीन के बनाने में, मतलब उसका जो काम होता है ये प्रोटीन का बनाना होता है। आफ्टर सिंथेसिस द प्रोटीन, जब प्रोटीन बनाने के बाद, आर इधर, ये दो काम करता है, स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म, या तो उसको स्टोर करता है साइटोप्लाज्म में, और एक्सपोर्टेड आउट, या उसको बाहर निकाल देता है ऑफ द सेल, सेल से मतलब जब ये प्रोटीन बन जाते हैं तो अगर सेल को इसकी नीड है या बॉडी को इसकी नीड है तो ये इसको बाहर एक्सपोर्ट कर देता है, और अगर नीड नहीं है तो ये स्टोर करता है उस वक्त तक जब तक उसको नीड आ जाए थ्रू दिस चैनल, तो इन रास्तों के जरिए इन प्रोटीन को ये बाहर निकाल देता है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, SER आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, हेल्प से मदद करते हैं इन मेटाबॉलिज्म ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, पार्टिकुलरली लैपिड सिंथेसिस, तो रेटिक्यूलम जो आपके पास हेल्प मदद करता है इन मेटाबॉलिज्म के लिए ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स के लिए, पार्टिकुलरली खासतौर पर लैपिड सिंथेसिस, चर्बी या चिकनाई बनाने के लिए। दीज ऑल्सो हेल्प द डिटॉक्सिफाई, और ये मदद करता है डिटॉक्सिफाई मतलब जहर के असर को कम करने के लिए, द हार्मफुल ड्रग, नुकसानदेह ड्रग्स का, ड्रग अद्वियात को भी कह सकते हैं हम, नशों को भी कह सकते हैं, जो नुकसानदेह चीज़ें होती हैं हमारे समय जो नुकसानदेह चीज़ें जाती हैं तो ये उसके असर को भी कम करता है।
इन सम सेल SER इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ impulses. कुछ खुली में जो SER आपके पास होते हैं मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है फॉर द ट्रांसमिशन मुंतकली के लिए ऑफ impulses बरकी रोको. फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर मसल सेल जो फट्टे के खुलिए होते हैं या नर्व सेल आसावी खुलिए ETC वगैरह, मतलब ये इनकी मूवमेंट को या इनकी जो पैगाम रसानी है इनको मौसर करते हैं, इनमें मदद करते हैं. इन एडिशन अगर मज़ीद इजाफा किया जाए SER प्ले तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अदा करता है एन इम्पोर्टेंट रोल, अहम किरदार इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल, मटीरियल की ट्रांसपोर्ट करने के लिए मतलब लाने ले जाने के लिए फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर, खुलिए के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक. इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट और ये फराहम करता है मीकानी सहारा टू द सेल खुलिए को, दैट इज इट्स शेप इज मेंटेन, तो उसकी वजह से उसकी शक्ल बरकरार रहती है. क्योंकि स्टूडेंट्स ये सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर तक पूरा फैला होता है, तो इसकी वजह से जो सेल है उसकी जो स्ट्रक्चर है या उसकी जो शेप है वो मेंटेन रहती है. तो स्टूडेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने पढ़ा, इसमें दो किस्म के पास होती हैं, एक RER एक SER. RER मतलब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम है वो दानों की शक्ल में अटैच होते हैं और ये सेल मेम्ब्रेन से होता हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है, इसकी वजह से इसकी शेप बरकरार रहती है. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टूडेंट्स, तो ये आपके लिए प्रोटीन बनाने का काम करता है. फिर प्रोटीन बनाने के बाद ये उसको या तो स्टोर कर लेता है क्योंकि उसको नीड नहीं होती सेल को, या नीड के मुताबिक उसको एक्सपोर्ट कर देता है. आपके पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये आपकी मदद करता है लैपिड्स बनाने में, लैपिड की चिकनाई वगैरह बनाने में, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है बरकी रो या इम्पल्सिस को आगे भेजने के लिए, मतलब उसको ये जो काम करने में आसानी करता है, और ये इसकी जो शेप है ये भी बरकरार रखने में सेल की मदद करता है. तो होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा. कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.